चलें आदित, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे मुझे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम आदिल कुरैशी है, मैं कराची से हूँ। मैं 23 इयर्स एंड 6 मंथ्स का हूँ और अभी मैं MBA मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ। इससे पहले मैंने OA लेवल्स किया, 4 साल बैचलर्स किया। मैं अलहमदिल्ला 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन मुकम्मल कर चुका हूँ और सारी एजुकेशन मेरी कराची की है। इसके अलावा मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब करता हूँ और मैं 145 में वंस नॉट रिकमेंडेड हूँ। तो मैं अभी PF लॉजिस्टिक्स का वेट कर रहा हूँ कि अब दोबारा आए तो मैं उसमें अप्लाई करूँ, क्योंकि मैं बिजनेस स्टूडेंट रहा हूँ। क्लास 8 के बाद मैंने ओ लेवल्स में साइंस नहीं थे मेरे, कॉमर्स थे OA लेवल्स में। बैचलर्स भी मैंने इकोनॉमिक्स फाइनेंस में किया है। तो सर प्रॉबेबली मैं PMA ग्रेजुएट कोर्स या PF लॉजिस्टिक्स की तरफ ज्यादा तो मेरा होप है। आपके मैंने ओए लेवल्स में ग्रेड्स क्या थे, थोड़ा सा बताओगे? तो 20 है, 20 तो एक, 2 इयर्स थे, बाकी 20 थे। सर कितने कितने इयर्स थे और कितने 20 थे? 20 साल मतलब 7 20 थे, एक ये था, एक 25 थे। एक था, 7 20 थे और तो एक ये था, 5 20 थे, 3 4 C थे, टोटल थे 10 कोर्स। और सर ए लेवल में जो थे BCCC था। सही। चलो और इसके मतलब यू आर वेल अबव द एवरेज स्टूडेंट ऑफ ओए लेवल, ठीक है। इसका आपको बेनिफिट ये है कि आपको PMA में थोड़ा सा, क्योंकि ओए लेवल्स की जो पढ़ाई है वो काफी कदरे अच्छी समझी जाती है, और सर मैं आपकी जो एक मिनट पोटेंशियल्स। मुझे दें, एक मिनट मुझे दें, मैं अभी घर आया हूँ। मैं 1 मिनट में आपके पास वापस आता हूँ, ठीक है सर? चलो चलो, मैं उतनी देर में अपना वैसे लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो आप जब ज्वाइन करेंगे ना हमें, तो मैं आपको सेपरेट जो है ना वो लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है आदित? अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं CDMO की जो क्राइटेरियाज हैं और उनकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनकी तरफ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो क्वालिफिकेशन एज है वो रिक्वायर्ड है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि उनको रिक्रूट किया जाता है डायरेक्ट एज अ कैप्टन मेल या फीमेल। क्वालिफिकेशन उनकी MBBS होती है एज रिकग्नाइज्ड बाय TMDC। जी सर, हेलो। हाँ, आदिल आप फ्रेश होके आ जाओ, कोई एज इन इशू नहीं है। मैं अपनी देर में अपना लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अच्छा सर, मैं सही सुन रहा है? था। सही है, हाँ, आप बेशक जो है ना वो आप रिफ्रेश होके आ जाओ। क्लास अभी हमारा क्लास का जो टाइम है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, मतलब 5 से पहले पहले हमने क्लास खत्म करनी है, फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास खत्म मैंने वो करना है, तो उससे पहले पहले आ जाना, ठीक है? चल, सर आप किस एज किधर लोकेटेड हैं? यार मेरी जो एकेडमी है दैट इज इन इस्लामाबाद, और प्रेजेंटली आई एम एट माय वर्क प्लेस जहाँ से मैं ये लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होती है फॉर अ GDMO दैट इज MBBS विच इज रिकग्नाइज बाय PMDC दैट इज पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉर्पोरेशन। एज रिक्वायर्ड इज 28 ईयर्स ऑन 1st of May 2020, जो कि ये रिसेंटली मई का जो डेट गुजरी 1st of May तक उनकी 28 ईयर्स होना चाहिए, और रिलैक्सेबल अप टू 35 ईयर्स। दैट मीन्स 28 ईयर्स से 35 ईयर्स तक जो एज लिमिट है वो अलाउड है फॉर GDMOs जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स। सेकेंड जो क्लॉज है उसमें कहते हैं कि क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट स्पेक्स एज मेजर एनेस्थेसियोलॉजी FPG मेल फीमेल, डर्मेटोलॉजी मेल, गाइनोकोलॉजी नॉर्मली जो प्रेफरेंस होती है फीमेल की होती है, जनरल मेडिसिन मेल या फीमेल, पैथोलॉजी मेल या फीमेल, साइकियाट्रिक मेल फीमेल, सर्जन मेल फीमेल और पेडियाट्रिक्स मेल और फीमेल। सेम इनकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो MBBS है विच इज रिकग्नाइज बाय PMDC। हायर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन FCPS पाक और इक्विवेलेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज बाय PMDC इन रिस्पेक्टिव स्पेशलिटी। एज 28 ईयर्स मिनिमम है, 35 ईयर्स मैक्सिमम। सब स्पेशलिस्ट मेडिकल
मेडिसिन एंड एलाइड एज मेजर, जो स्पेशलिस्ट होते हैं मेडिसिन और एलाइड के, वो मेजर पे डायरेक्टली उनको जो है वो एज इन रिक्रूट किया जाता है नामी कार्डियोलॉजी एडल्ट मेल और फीमेल, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी जो आपकी जो स्टमक से रिलेटेड होते हैं वो सारे स्टमक इंटेस्टाइन इट ऑल एनकंपासेस इन द गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी एडल्ट मेल और फीमेल दोनों को सिलेक्ट किया जाता है, पल्मोनोलॉजी क्रिटिकल केयर मेडिकल मेडिकल और जो क्रिटिकल या इंटेंसिव केयर यूनिट होता है वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर्स जो उनकी स्पेशलिटीज होती हैं जो उन्होंने स्पेशल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो FCPS से क्वालिफाइड करके वो फिर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको जो है वो एज अ इनिशियल कैडेट रिक्रूट किया जाता है और फिर सब्सिक्वेंटली दे आर वंस दे आर ग्रेजुएटेड दे बिकम मेजर्स डायरेक्ट और फिर उनको रिस्पेक्टिव आर्मी और आर्मी की ब्रांचेस में MBBS, it should be recognized by PMDC, higher postgraduate qualification, that is FCPS or equivalent foreign qualification, it's the same clause that in, as in the previous or FCPS, unka jo, PMDC se recognized hoga respective speciality. कार्डियो में गैस्ट्रो में पल्मो में और क्रिटिकल केयर में जो चीजें स्पेशलिस्ट होंगी तो फर्दर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन उसकी जो है वो रिप्रेजेंट की जाए तो वो देखेंगे और फिर उनको फर्दर इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, इन इसमें जो है वो एज की थोड़ी सी रिलैक्सेशन है बिकॉज ये स्पेशलिस्ट होते हैं 32 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक इनको जो है वो एज रिक्वायर्ड होती है, फिर जो मतलब आर्मी को रिक्वायर्ड होती है। जो सब स्पेशलिस्ट हैं मेडिसिन एंड एलाइड और मेजर होता है ना नियोनेटोलॉजी और सेम जो बी एड्स में इनका जो है वो FCPS चाहिए होता है और एनेमेटोलॉजी में जो रिकग्नाइज FCPS है वो PMDC से जो है करके वेदर दे आर फॉरन क्वालिफाइड और नेशनल क्वालिफाइड वो जो है प्रेजेंट करते हैं तो फिर उसके बाद उनको फर्दर इंटरव्यू में जो है उसे किया जाता है। 2 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए और रिलैक्सेशन इसमें 40 ईयर्स तक है, तो अगर आप 32 ईयर्स तक हैं देन यू कैन आल्सो बी एक्सेप्टेड इफ यू आर अबव 32 ईयर्स और टिल 40 ईयर्स यू आर एक्सेप्टेड।